अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, आप लोग कहीं कुछ गलत ना सोच ले। पुत्र, नहीं नहीं पुत्र, तू ऐसा क्यों सोच रही है, जो बोलना बोलना। दाशु बोलो क्या बात है। वो प्रियो, मुझे जो कहना है ना, प्लीज तुम ऐसा मत सोचना कि बाहर अभी जो हुआ वो संग्राम के साथ, मैं उस वजह से कुछ नहीं कह रही हूँ। मेरे कहने का मकसद ना कुछ गलत नहीं है, प्लीज कुछ गलत मत समझना। अरे तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारे कहने का कोई भी मतलब हो, मैं कभी गलत समझ सकती हूँ तुम्हें। तुम जो भी है बोलो मुझे क्या है। वो प्रियो, मैं ना कुछ प्रॉब्लम में हूँ, तुम्हें तो पता है ना कि मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ अपनी सेवियर के पास आ जाती हूँ, यानी कि तुम्हारे पास। वो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो मेरे पापा है ना, उनके जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने हमारी पार्टी को छोड़ के अपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और तुम्हें तो पता है ना, अभी इलेक्शन सर पे है और इतने कम वक्त में कोई मिल भी नहीं रहा है जो ये सब हैंडल कर सके, यू नो, पापा की रैलीज को ऑर्गेनाइज कर सके। बट तब मेरे दिमाग में तुम्हारा ख्याल आया, तुम इतनी स्मार्ट हो, इतनी इंटेलिजेंट हो, इतनी होनहार हो, इतनी हार्ड वर्किंग हो, तुमने जैसे मेरी शादी को हैंडल किया, सारी जिम्मेदारियों को कितनी बखूबी अकेले अकेले निभाया। आई मीन सब तो हैरान थे, तुमने कैसे सब कुछ, यू नो, छोटी से छोटी चीज के लिए सब हैंडल कर लिया। मुझे पता है रैलीज ऑर्गेनाइज करना और शादी में बहुत डिफरेंस है, पर एंड ऑफ द डे दोनों ऑर्गेनाइजेशन से तो है ना। यहाँ पे भी वही सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से फिनिशिंग तक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और वो कोई तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट इंसान ही कर सकता है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक्चुअली पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे पापा के लिए काम करोगी? और उसकी सैलरी भी मिलेगी, कितनी मिलेगी ये तो मुझे नहीं पता, पर मिलेगी। प्लीज बताओ ना, क्या तुम मेरे पापा के लिए काम करोगी? हाँ माँ करेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तक प्राची तो सब कुछ संभालती हुई आ रही है, हमारे घर के, हमारी जिंदगी के सारे फैसले यही तो लेती है। हाँ भाभी क्या सोच रहे हो आप? पूर्वी तू ऐसे अचानक आगे आने से पहले मुझे बता देती ना कॉल करके, मुझे नहीं पता था तू आने वाली है। माँ अब अपने घर में आने के लिए बताऊंगी, लेकिन अभी आप बात मत पलटो प्लीज। अब ताशु जी को बोलो जवाब दो कि आप ये ऑफर ले रहे हो, प्लीज माँ। हाँ प्राची क्या दिक्कत है, तू इतनी होनहार है, एक्सेप्ट कर दी ऑफर। हाँ पुत्र ताशु सही कह रही है, तू कर सकते पुत्र, हाँ क्या दे। अरे प्राची पुत्र ज्यादा सोच मत, देख शोकी भी कह रहा है ना तू कर सकती है, सब कह रहे तो कर ले। ओके ओके आप सब इतना कह रहे हो और बुआ जी आप ऐसे बोल रही है, मैं मना थोड़ी करूंगी। ठीक है मैं ये जॉब कर लूंगी। बहुत बढ़िया, पक्का? पक्का। थैंक यू प्रियो, थैंक यू। पर तुम पक्का बैकआउट नहीं करोगी राइट, तुम कल पापा से मिलने आओगी ना? प्रॉमिस मैं आऊंगी। खुश चलो बैठो चाय बनाते। तुम्हारी कल मीटिंग है बैंगलोर में रात को। मोनिशा वेट, क्या हुआ? क्या हुआ कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा, एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता आरवी क्या हुआ? मोनिशा मैं समझ रहा हूँ, सुबह जो हुआ तुम उसके बारे में सोच रही हो। समझ रहे हो, अच्छा हुआ बता दिया तुमने कि तुम समझ रहे हो, वरना मुझे तो लगा था एज यूजुअल तुम यही बोलोगे पूर्वी मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है इसलिए मुझे उसके करीब भी जाना पड़ेगा। Enough मोनिशा, मत करो यार, अजीब हो तुम, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तुम गुस्सा कर रही हो। मैं अजीब? हाँ और भी मुझे ना दिख रहा है कि तुम कैसे हर बात सिर्फ मेरे खिलाफ बोले जा रहे हो, और जब तब बोल ही रहे हो ना तो ये भी बता दो कि ये सब तुम खुद बोल रहे हो या उस पूर्वी ने तुम्हें बड़ा सिखा के भेजा है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम सुन रही हो क्या बोल रही हो तुम? हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब, और हाँ मैं सुन रही हूँ मैं जो बोल रही हूँ, पर ना तुम सुन रहे हो जो तुम बोल रहे हो ना तुम्हें दिख रहा है कि तुम लड़की के साथ क्या कर रहे हो। अरे संभाल के, अभी तो मेरी लाइफ शुरू भी नहीं हो, अभी से ही ऐसे और देख कर चला करो तुम। ओ यार ये कैसे बिहेव करती है, अजीब है भाई। भाई ये मोनिशा बन गया रिवॉल्वर वाली यार, गोली चला दी मेरे पे यार, ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा, मतलब जब गोली चलेगी तभी बताएगा क्या हो रहा है।
और भाई एक बात बताइए, हमेशा गर्लफ्रेंड कैसे बिहेव क्यों करती है? क्योंकि गर्लफ्रेंड थी वो. एग्जैक्टली, गर्लफ्रेंड थी, अब नहीं है. अब क्यों बिहेव कर रही है गर्लफ्रेंड जैसे? तू ये सब बोलना है मुझे यहाँ पर? अगर कुछ काम है तो बोलना, टाइम वेस्ट मत करो मेरा. समझ गया, मुझे बात नहीं करनी तो सीधा ही बोल देना. मैंने पूछा कुछ काम था? हाँ था. क्या? नहीं तू चिल कर, तुझे बात तो करनी नहीं, तू चिल कर. पूर्वी, बड़ी माँ चाय पिएगी बच्चे? नहीं बड़ी माँ. यहाँ अच्छी बनती है, तेरे घर की तरह नहीं. क्या आपने तेरा मेरा स्टार्ट कर दिया? अब ये सब छड़ और इस पे ध्यान दे, ठीक से पता कर, और जैसे कुछ पता चले ना मुझे आके बताना. हाँ अब मन प्रीति चल, मुझे अभी देर हो रही है, चल. बड़ी माँ क्या हुआ? मुझे पता चल गया. क्या पता चल गया? केके सर की शादी में जिसने खाने में कुछ मिलाया था, मुझे पता चल गया वो कौन है, किसने माँ का नाम खराब करने की कोशिश की. पर किसने? साफ साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे पक्का सबूत चाहिए. लेकिन अभी अभी तूने कहा कि तुझे पता चल गया है कि किसका काम है, और तूने उसका चेहरा ही नहीं देखा, तो तुझे कैसे पता चला कि वो कौन है? बड़ी बाप ध्यान से देखो, ये हाथ दिख रहा है आपको? हाँ. इसमें अंगूठी दिख रही है आपको? सेम अंगूठी मैंने मोनिशा के हाथों में देखा है. देखा मोनिशा? अरे वो गोरी चुड़ैल. एक मिनट दीदी, पूर्वी सोच समझ के बोल रही है ना बेटा, ऐसा तो नहीं बोल रही ना क्योंकि तेरी उसके साथ बनती नहीं है. ओए, उस काले दिल वाली की तो किसी से ना बने, मुझसे भी तो नहीं बनती है. हाँ लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है ना ऐसे. तो वही तो कह रही है ना पूर्वी कि पक्का सबूत चाहिए. पक्का सबूत चाहिए? अरे तो यही तो पता कर पहले. मैं भी तो वही कह रही हूँ बुआ, पर कैसे ये समझ नहीं आ रहा मुझे. पता कैसे करेगी? पता नहीं कैसे करूंगी, लेकिन पता तो करूंगी. लेकिन उससे पहले बड़ी माँ, हम माँ को कुछ नहीं बताएंगे. उन्हें अभी अभी नया काम मिला है, वो बहुत परेशान हो जाएगी, उनका ध्यान भटक जाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. तो प्लीज हम माँ को नहीं बताएंगे. मुझे लगता है ये सब हम खुद से संभाल सकते हैं. ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, पर बड़ी वो. पर क्या? हाँ पर क्या? भरोसा नहीं है मेरे पे? मेरे पेट में बात नहीं बचती, यही कहना चाह रही है ना तू? पूर्वी पुत्र, मैं ना किसी को नहीं बताऊंगी, तेरी माँ को भी बिल्कुल नहीं बताऊंगी, लेकिन तू जल्दी से पता कर पहले. उस गोरी चुड़ैल को तो छोड़ेंगे नहीं, उसकी ये हिम्मत, मुझे पहले से शक था. पता करूंगी मैं, जरूर पता करूंगी. Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री.